नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ी थी डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन स्टडी किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इंसेमिनेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन द वजाइना और इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियली डिपॉजिट करना। अब जब हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या करते हैं कि सीमेन मेल का कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमने मेल को पेरेंट के फॉर्म में चूज किया है, और उसे फीमेल के या जो सेलेक्टेड फीमेल है, जो भी फार्मर ने या ब्रीडर ने चूज किया है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को डिपॉजिट कर देते हैं। सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चोजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू द वजाइना ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। लेकिन ये जो सक्सेस रेट है क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल की, ये बहुत कम है, इसकी श्योरिटी नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज MOET, एम मल्टीपल ओ ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब जैसे हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में पढ़ा कि सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है, तो MOET इज यूज टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। तो उसे और सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया गया। अब इस टेक्निक में काउ जो है उसको हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसमें कि FSH एक्टिविटी होती है। तो इन हार्मोन्स या FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट इंड्यूसेस फॉलिकुलर मैच्योरेशन। काउ में जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। सुपर ओवुलेशन होता है। सुपर ओवुलेशन मीन्स एक एग या वन एग पर साइकिल की जगह 6 to 8 eggs पर साइकिल प्रोड्यूस होते हैं। सो इसीलिए इसे कहा जाता है सुपर ओवुलेशन। प्रोडक्शन ऑफ 6 to 8 eggs इंस्टेड ऑफ 1 egg पर साइकिल। ओवुलेशन, सुपर ओवुलेशन के बाद में जो काव है या जो फीमेल है उसको एक एलीट बुल के साथ या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बुल के साथ आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, या फिर उसे मेट कराया जाता है, कॉपुलेट कराया जाता है। सो MOET टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। काव इज एडमिनिस्टर्ड विथ FSH। इट इंड्यूसेस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओवुलेशन। प्रोडक्शन ऑफ 6 to 8 eggs इंस्टेड ऑफ 1 egg पर साइकिल। द फीमेल इज आइदर कॉपुलेटेड विथ एन एलीट बुल, डिजायरेबल बुल, और इट इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। देन उसके बाद में क्या किया जाता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, देन 8 to 32 cell stage तैयार हो गई, तो हर एम्ब्रियो को हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मदर्स में या डिफरेंट सरोगेट मदर्स में ट्रांसफर किया जाता है। जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। तो यहां पर एक बेनिफिट क्या है कि जो काउ का हमने ओरिजिनली यूज किया था हार्मोन दे करके सुपर ओवुलेशन में, तो वो तैयार हो जाती है फिर से सुपर ओवुलेशन के लिए। इसीलिए जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसमें 8 to 32 cell stages तैयार होती है, तो वो दूसरी काउ में उसे इंसर्ट कर दिया जाता है, और फिर वो सरोगेट मदर का काम करती है जो दूसरी काउ होती है, और जो जेनेटिक मदर होती है या ओरिजिनल मदर होती है वो फिर से सुपर ओवुलेशन के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका एक और बेनिफिट है कि दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम। तो कैटल जो है या हर्ड जो है, नंबर ऑफ कैटल जो है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है
किसी भी एनिमल की हर्ड की वो इंक्रीज हो जाती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवम पिकअप फोटोग्राफ में दिखाया गया है, ओसाइट का सिलेक्शन किया गया है, देन लैब में उस पर काम किया जा रहा है, इन विट्रो मैचुरेशन लैब में मैच्योर कराए जा रहे हैं, वन सेल स्टेज है, टू है, फोर है, उसके बाद में करीब 32 सेल स्टेज तक आ गई है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज MOET। थैंक यू।